गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम न्यू वीडियो में। एंड एज यूजुअल ये लोग फुल ऑन धमाल कर रहे हैं। एंड आज का वीडियो है गाइज, जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा कि वुल्फी के नए बेडरूम के बारे में। तो गाइज, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जिसको मैं जनरली वीडियो में नहीं लेता हूं और नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि लोगों के बहुत ज़्यादा गलत और नेगेटिव इम्प्रेशंस है इसके बारे में। ये क्रेट है जिसको काफ़ी लोग बोलते हैं केज में मत डालो, केज में मत डालो, केज में मत डालो, डॉग्स को क्यों केज में रखते हो। मैं हम रखते नहीं हैं, एक हैबिट है, ये उनका पर्सनल स्पेस है, टाइम आउट स्पेस है। एंड इसका जो हम डोर है वो जनरली ओपन ही रखते हैं। एंड ये उनका वन काइंड ऑफ बेडरूम है जहाँ पे नाइट टाइम में इन लोगों को सोने की हैबिट है। अब सिचुएशन ऐसी है कि दोनों एक ही क्रेट में जाके सो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं वुल्फी को स्पेस कम मिल रही है, बट फिर भी ये लोग काफ़ी एडजस्ट कर लेते हैं। बट चैम्प बहुत ही ज़्यादा शाना भी है एंड नॉटी भी है। चैम्प करता क्या है, कभी कभी पहले अंदर चला जाता है अपने आप और जाके सेंटर का स्पेस ले लेता है। वुल्फी तो वो सेंटर का स्पेस ब्लॉक कर लेता है, तो वुल्फी को जगह नहीं मिल पाती है। तो वो बहुत कॉम्पैक्टली सोते हैं ये लोग क्रेट के अंदर, वुल्फी को या तो फिर बाहर भी। वुल्फी को फॉर सम रीज़न बेड नहीं पसंद है उसको, मतलब एकदम प्लेन फ्लोर या तो फिर ऐसी इसके ऊपर पसंद है। कहीं पर भी रख देता हूँ तो वो नहीं सोता है उसके ऊपर। तो मैंने डिसाइड किया कि अपग्रेड करना पड़ेगा दोनों को अपना, मतलब काफ़ी बड़े होते जा रहे हैं तो दोनों को अपना पर्सनल स्पेस चाहिए। ये देखो तोड़ फोड़ चालू कर दी इन लोगों ने। तो मैं इससे बड़ा एक साइज़ का क्रेट लेके आया हूँ फॉर वुल्फी, बिकॉज ऑब्वियसली चैम्प के लिए तो ये स्पेस बहुत ज़्यादा इनफ है, वो आराम से जलसे से सोता है। तो मैं बताता हूँ आपको वो क्रेट लेके आता हूँ एंड खोल के भी दिखाता हूँ आपको। तो गाइस, ये है नया क्रेट, इसके नीचे दो ट्रीज दी हुई है जो जनरली काम नहीं लगेगी, क्योंकि चैम्प कभी फिर भी नीचे ट्री में कभी कभार सुसु कर लेता है, बट वुल्फी अंदर नहीं करता है मतलब बिल्कुल भी। तो मेरे ख्याल से ट्रेज इसमें दो इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि एक ट्रे भी बहुत ज़्यादा बल्की हो जाती है सिंगल निकालने में, ले जाने में। तो ये दो ट्रे दिए हुए विच इज़ वो मोर कम्फर्टेबल, और साइज़ दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अंदर का जो स्पेस ऐसे भी है और ऐसे भी है काफ़ी ज़्यादा है, जो वुल्फी को काफ़ी 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 लंबे टाइम तक, मतलब आई थिंक एडल्ट होने तक चलेगा। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ इसको खोल के, और साथ में भी रखेंगे। इसको खोलेंगे, सबसे पहले मैं ट्रे निकाल लेता हूँ। मैं आपको बता दूं, पहले तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि क्रेट ये केज है ये वो वगैरह वगैरह, तो दिमाग से निकाल लो, पहले रिसर्च कर लो थोड़ा सा कि क्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इनकी ट्रेनिंग के लिए भी, स्पेशली पॉटी ट्रेनिंग में तो ये बहुत काम होता है। तो जनरली डॉग कभी भी अपनी सोने वाली जगह पे सुसु पॉटी नहीं करते, क्रेट्स ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये उनका एक पर्सनल स्पेस हो जाता है, उसके अंदर बेड भी डाल सकते हो और उसको परमानेंटली उसकी ये खुद की जगह रहेगी। अगर आपका कोई डॉग है, अगर आपने थोड़ा रिसर्च किया है, अगर आप क्रेट या मतलब ये चीज़ लोगे, आपको खुद समझ आ जाएगा कि इट इज़ सो हेल्पफुल इन मेनी थिंग्स। नहीं, ये देखो ये खुद ही अंदर जा रहा है भाई, बन जाने दे, रुक जा। देखो इट इज सो इजी इसको असेंबल करना, और इसमें अच्छी चीज है कि उसी के इधर ऊपर से भी डोर दिया जाता है। इसमें आप अगर कुछ रखना है अपने डॉग को या पप्पी को निकालना है वगैरह, इसमें क्योंकि केज बड़ा है तो ये दो स्टॉपर्स दी हुई है, और ये ह्यूज डोर दिया हुआ है। नो जैम, तेरा नहीं है, तेरा वही है। इसको मैं रखूंगा अंदर, ठीक
परफेक्ट। अब मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ, दोनों को साथ में रखते हैं। अब देखो गाइस, दोनों को कंपेयर करो, इसकी साइज और इसकी साइज। तो चैम्प और वुल्फी के लिए एकदम परफेक्ट है। दिस विल बी फॉर चैम्प। इसकी ट्रे एक्चुअली बाहर रखी हुई है टू वॉश, तो अभी अंदर है नहीं। एंड विथ में जैसे मैंने बोला, ये देखो गाइस, वैसे इसकी हाइट भी ज़्यादा है विच इज़ गुड। इंटरनल स्पेस में भी आप देख सकते हो, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। अब एक बार देखते हैं वुल्फी अंदर जाए तो। नो चैम्प, अभी से हैबिट डालना पड़ेगा चैम्प को मना करने के लिए, सो दैट गलत स्पेस ना यूज़ करें। ये देखो गाइस, काफ़ी इनफ स्पेस है वुल्फी के लिए, हाइट में भी, विथ में भी, हर जगह से। तो आई थिंक परफेक्ट चूज़ किया मैंने साइज वाइज। एंड नाउ दे बोथ विल हैव द पर्सनल स्पेस, और मैं इन दोनों एकदम जॉइंट रखूँगा इस तरह से, सो दैट वो लोगों को ऐसा भी ना लगे कि वो लोग अलग हैं। एंड अगर दे विल नॉट लाइक टू बी सेपरेट, तो उनको मैं इस में शिफ्ट कर दूँगा इन फ्यूचर या उसी वक्त, तो फिर आई विल रिमूव दिस क्रेट। बट आई थिंक दे विल बी वेरी मच कम्फर्टेबल, एक दो दिन देंगे उनको, फिर उनको हैबिट हो जाएगी। एंड अपडेटेड वीडियो मैं ला के आपको दूंगा एक दिन। अगर आप चाहते हो इसका अपडेटेड वीडियो तो मुझे नीचे कमेंट में करना, मैं उसका इसका अपडेटेड वीडियो भी दे दूंगा कि दे हैव सेटल्ड और नॉट इन डिफरेंट क्रेट्स। और हाँ गाइस, मैं शुरू करने वाला हूँ रिएक्टिंग वीडियोज़ ऑन सब्सक्राइबर्स पेट्स। तो अगर आपका कोई पेट है जिसकी कोई फ़नी हरकत आपने शूट की है, या तो फिर कुछ अच्छी चीज़ अच्छी क्लिप्स है आपके पास आपके डॉग्स की, तो वो मुझे आप ईमेल कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं रिएक्शन वीडियो डालूंगा और आपको शाउट आउट भी दूंगा। वापस से बोल रहा हूँ गाइस, जो वो बॉटल है, मतलब जो बाउल बॉटल के साथ जो है वाटर बॉटल, वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही सबसे, मतलब ये बोल सकता हूँ मैंने इनके लिए जितनी भी चीज़ें ली है उसमें सबसे ज़्यादा यूज़फुल मुझे वो लगती है। तो अगर आपको परचेस करनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और काफ़ी सारी इनकी रैंडम चीज़ें हैं मैंने परचेस की है, जैसे पिज्ज़ा है, आइसक्रीम्स है, वो भी अगर आपको परचेस करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके आप परचेस कर सकते हो। ये था वीडियो गाइस आज का। आई थिंक यू शुड ट्राई यूजिंग क्रेट, पर उसके पहले रिसर्च कर लो इन क्रेट्स के रिलेटेड, आपको बहुत यूजफुल रहेगा। अगर स्पेशली आप नया पपी ले रहे हो तो दैट्स ऑल फॉर, टेक केयर, हैव फन, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट दैट बेल आइकन, लाइक द वीडियो एंड कमेंट बिलो। ऑल्सो गाइस इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, बाकी यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर लाइव देखना चाहते हो रेगुलरली मुझे, तो रेंडम लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब कर लेना। एंड हमारे रेगुलर व्लॉग्स आते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे, तो रेंडम व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लेना, सबके मिल जाएगी लिंक डिस्क्रिप्शन में। देखो अब सुबह से इतना धमाल किया हुआ है लोगों ने कि अब जाके थोड़े से सेटल होने वाले हैं लोग। और मैं जनरली वीडियो की शुरुआत ये लोग थोड़ा थक जाए उसके बाद ही करता हूँ जानबूझ के, वरना ये लोग ना एक फ्रेम में आएंगे ना कहीं पे दिखेंगे। एक दिन गाइस अगर आप चाहते हो इनका जो फुल ऑन धमाल दौड़ना ये वो है, सुबह क्या करते हैं ये लोग नाटक, उसका वीडियो चाहिए तो अभी आप मुझे कमेंट बताओ, मैं वो वीडियो बना दूँगा। लॉट्स ऑफ लव गाइस, बाय।